नमस्कार जी, ओम शांति। काफी लोग बोलते हैं सर मकान नहीं बन रहा है। अगर आपके घर की समस्या है, आप किराए के घर पे रह रहे हैं, खुद का घर बनाना चाहते हैं, या आपने अगर जमीन तो खरीद लिया वो घर नहीं बना रहा है, या कहीं कहीं कुछ ना कुछ अगर आपके लाइफ में अड़चन नहीं आ रहे हैं, तो आज जो मैं आपको ऐसी रेमेडीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ही रामबाण उपाय है। अगर इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में बिल्कुल फर्क पड़ेगा और ये उपाय काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। और ऐसा उपाय जो कहीं न कहीं कभी भी फेल नहीं हुआ, जिन्होंने इस रेमेडीज को किया उनके खुद के घर तो बिल्कुल बने। तो आप क्यों नहीं इसको जरूर आजमाएं और अपनाएं। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप भी इसको यूज करें और अपने दोस्तों परिवार को इसे भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दिए। तो आपकी अगर खुद की घर नहीं है और जब घर बनाने का या न्यू फ्लैट लेने की प्लानिंग करते हैं, तो कुछ न कुछ नई समस्याएं आना शुरू हो जाती है। चाहे वो पैसे का दिक्कत हो, या जमीन का विवाद हो, या कुछ न कुछ चीज़ों के कारण आपकी जो प्लानिंग करते हैं वो आपका फेल हो जाता है। बहुत दिनों से किराए के मकान में रह रहे हैं और आपका भी सपना है कि हमारा खुद का घर होता ना तो बहुत कुछ अच्छा रहता, मैं ऐसे करता वैसे करता, कहीं न कहीं हम सब की इच्छाएँ होती हैं। तो आपका भी अगर खुद का घर या फ्लैट हो तो यह रामबाण उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर पहले से भी खुद का घर हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रयोग बताने वाला हूँ इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली है कि जिन्होंने किया है समझ ली कि एक उपाय को जो है ना सोमवार को दिन और शनिवार को करना। अगर आपने 7 सोमवार भी कर लिया, 500 बार भी कर लिए तो भी कमाल का हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब उस प्रयोग का जिसे आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस प्रयोग के लिए, एक नारियल लेना है सूखे वाले, एक नारियल का गोला ले जो सूखा वाला है, और आपको एक मुट्ठा, एक अंदाज से मान के चलिए कि 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम चीनी का बुरादा, यानी जिसे हम भूरा बोलते हैं, यानी चीनी का पिसा हुआ पाउडर जो मिलता है उसे लेना। अब उसके बाद क्या करना है, सोमवार को दिन या किसी भी दिन आप चाहें तो कर सकते हैं, बट जनरली इस उपाय को आपको जो करना है सोमवार और शनिवार के दिन ही करना है, इसी दिन आपको करना। सुबह उठिए, नहा धोकर फ्रेश होके आपको सूखे नारियल को लेना है। लेने के बाद उसको बीच से, जैसे जो नारियल है आप जो देख रहे हैं उसको बीच से काटना है। उसके अंदर क्या करना है, आधा हिस्सा अलग कर दिए, आधा हिस्सा में जो आपने चीनी का जो बुरादा लिया था, भूरा लिया था, उसके अंदर फिल कर देना, भर देना। और भरने के बाद फिर क्या करना, जो काटा हुआ हिस्सा है, जो अलग किया हुआ है, उस हिस्सा को उसके अंदर ढक देना। जो आपने काट के आधा रखा था, आधा हिस्सा में आपको चीनी का भूरा भर दिए हैं, भर गया है। जो नारियल का जो आधा टुकड़ा जो है उसको ऊपर से कवर कर देना, ठीक है, ढक देना जिसमें चीनी भरा हुआ। अब इसके बाद क्या करना है समझिएगा, आपने चीनी भर दिया, अब भरने के बाद उसे क्या करना है, कोई भी नज़दीक का अगर पीपल का पेड़ है या आप कहीं दूर दराज में उसे क्या करना है, कहीं पे भी जो जहाँ पे पीपल का पेड़ है उस पीपल पेड़ के नीचे उस नारियल को पहले आपको थोड़ा गड्ढा खोदना है, पीपल पेड़ के नीचे थोड़ी सी जहाँ पे नारियल आराम से बैठ जाए, गड्ढा खोदने के बाद उस नारियल को वहाँ पर रखना। जो आपका वीस है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलते हुए उस नारियल को आपको गाड़ देना। और दूसरा, आपको कुछ चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी नारियल को आप गाड़ते हैं, ठीक है, तो नारियल को पूरा नहीं गाड़ना, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम मिट्टी के नीचे पैक कर देना, नहीं नहीं, यहाँ पे गलती नहीं की है। उस नारियल को ऐसा गाड़ना ना कि ऊपर से थोड़ा सा दिखता हुआ होना चाहिए, दिखना चाहिए, नज़र आना चाहिए। अब किस लिए, ताकि उसके अंदर जो भरे ना वो चिटियाँ आपकी उस चीज़ों को खा सके। तो थोड़ा सा आपको खुला भी रखना है, ऐसे दिखते रहना है, या तो ऊपर में एक ऐसा छेद कर दिए कि ताकि उसके अंदर जो ना छेद के अंदर सारा चिटियाँ जाए और वो अपना भोजन को ग्रहण करे। अब उससे क्या होगा, ताकि नारियल अंदर भरा हुआ चीनी चिटियाँ खा सके। उसके बाद घर वापस आ जाए, और जब घर के लिए ले रहे हैं प्रक्रिया कर दिए, गाड़ दिए, चिटियाँ अपना खाएगी, और जब वापस घर के लिए आते हैं
तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, सिंपल सा अपना सीधे घर के आना है। और जब भी वहाँ से जब निकले थे एकदम फुल पॉजिटिव के साथ, एक एनर्जी के साथ, किसी उपाय से हमारे जीवन में चेंजिंग आएगा। और इस उपाय को कितने करना, आज मान के चलिए दिन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा सोमवार या शनिवार दो दिन होने चाहिए। अब आपको कितने सोमवार करें, पांच सोमवार भी कर लिया, अगर ज़्यादा इच्छा है तो आप सात सोमवार कर लिए, आप करके देखिए, आपके जीवन में पक्के तौर पर आपका काम होना शुरू हो जाएगा। और जब पॉजिटिव माइंड से इस क्रिया को करेंगे, सात सोमवार तक लगातार करेंगे, तो यह इतना शक्तिशाली है कि जिसने भी व्यक्ति किया है, जिन जिन लोगों ने किया है, उनके जीवन में 100% लाभ मिला। इसके साथ साथ आपको काफ़ी लोगों को लगता है कि आपको और भी कोई समस्या है, काफ़ी टाइम से इसके अलावा अगर लगता है ना कि आपको कोई और समस्या है, आप जीवन में कोई काम कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, आपके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, या आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आप जॉब तो चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो और क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो सावा महीने भी कर सकते हैं, यानी 41 डेज या 45 डेज भी इसको कर सकते हैं। उसमें क्या, चींटियों को आटे में चीनी का भूरा मिला कर दे देना शुरू कर दे, यह भी उपाय बहुत रामबाण उपाय है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी काफ़ी लोग ये प्रयोग कर भी रहे हैं, हमें कमेंट भी आता है, पहले से भी लोग कर रहे हैं। अब अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो भी इन उपायों को करना शुरू कर दे, इसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।